हेलो जी नमस्ते सत्यकाल असलम आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल च्यू चैनल हिंदी उर्दू पे और आज मैं रीडिंग करूँगी पिका कार्ड कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन सा लाइफ चेंजिंग इवेंट या आपकी लाइफ में थिंक होने वाली है एक्सपीरियंस होने वाला है चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा नया एक्सपीरियंस न्यू चेंज न्यू थिंग न्यू लाइफ चेंजिंग इवेंट इन योर लाइफ ओके नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा इन अ गुड वे ऑब्वियसली आपने नेक्स्ट uh, इवेंट क्या होगा आपकी लाइफ में नेक्स्ट चेंज नेक्स्ट ब्लेसिंग आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है नेक्स्ट जो आपको पता नहीं है और आपकी तरफ आने वाला है और आप एक्सपीरियंस करने वाले हो ओके सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे दिस विल रेजोनेट विद यू और कुछ लोगों के लिए ये बहुत जल्दी पॉसिबल है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा देर के बाद ओके सो कीप एन ओपर माइंड ये जनरल रीडिंग है आप जस्ट टेक वर्ड रेजोनेट विद यू जो आपके साथ रेजोनेट करता है उसको लीजिए जो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ हो रहा है या आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप प्रे कर रहे हो अगर आपके साथ मैनिफेस्ट हो रहा है इट्स ओके अगर नहीं हो रहा इट्स ओके दिस अ जनरल रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है यू कैन डेफिनेटली चेंज एंड सी एन अदर चैनल इट्स ओके लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट करे एंड इफ दिस इज योर सिचुएशन इफ दिस इज वट योर मैनिफेस्टिंग योर फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें ठीक है डोंट मिस एनी रीडिंग आपके सामने दो पाइल्स हैं आज ऑप्शन नंबर वन इज द फ्लावर पिंक फ्लावर ओके एंड ऑप्शन नंबर टू इज़ दिस रिंग रिंग खार्ड ओके सो चूज इंक्लूटिवली जो चीज आपको अट्रैक्ट करी और जो चीज आपको कॉल करिए ठीक है मेडिटेट uh, कीजिए पास कर दीजिए वीडियो को और वही चीज चूज कीजिए जो आपको अट्रैक्ट करिए एंड आई विल स्टार्ट द रीडिंग इन फ्रंट ऑफ यू मैंने कुछ भी शफल नहीं किया दिस विल बी अइव रीडिंग ओके सो लेट्स आर्ट द रीडिंग एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या इवेंट क्या ब्लेसिंग क्या चेंज आने वाले है, जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा हेलो ग्रुप नंबर वन पाइल नंबर वन जीरो ने पिंक फ्लावर चूज़ किया है लेट्स सी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट इवेंट चेंज या ब्लेसिंग आने वाली है ठीक है आप चाहे सिंगल हैं या मैरिड हैं सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आने वाला है आई डोंट नो कि रीडिंग में क्या आएगा बट लेट्स कि क्या आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट चेंज आने वाला है क्या नेक्स्ट ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है जो आपको भी नजर नहीं आ रही है या आपको समझ नहीं आ रही है अभी सी Let's see. Okay, we have the prosperity begins. Ace of Pentacles. Wow. So मुझे जहाँ तक नजर आ रहा है आपकी लाइफ बिल्कुल टोटली न्यू स्टार्ट होने वाली है ठीक है uh, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आई एम सींग अ न्यू चाइल्ड बेबी बॉर्न बेबी बर्थ ठीक है और शायद आपकी फैमिली में कोई एडिशन हो रहा है अगर आप ऑलरेडी uh, वो हो प्रेगनेंट uh, हो तो डेफिनेटली आर गोइंग टू गिव टू बर्थ टू अ चाइल्ड Um, लेकिन अगर आपकी फैमिली में भी किसी का बच्चा हो सकता है आपके भाई का आपकी बहन का एक न्यू एडिशन आपकी फैमिली में फैमिली में ठीक है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड आई एम सेइंग ओके लेकिन यहाँ पे प्रॉस्पेरिट बिगन्स एस ऑफ पेंटिकल्स सो काफ़ी सारे लोगों के लिए uh, एक न्यू बिगनिंग है लाइफ में आप देख सकते हो यहाँ पर एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है ठीक है एक एक एंगेजमेंट हो सकती है मैरिज का प्रपोजल आ सकता है लेकिन इट्स अ न्यू बिगनिंग इन लाइफ विद अ फैमिली इट्स अ ट्री ट्री इज़ अ फैमिली सो कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है न्यू एक्सपीरियंस uh, किसी की नई लाइफ आपकी टोटली न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है किसी के साथ ठीक है यू आर गेटिंग फ्रामिस विथ समन काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं आप एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर होने वाले हो एक न्यू डेट करने वाले हो किसी को ऐसे uh, इंसान को जो सॉलिड है जो सीरियस है आपको ले कर दिस इज़ एस इज अ वन इट्स अ न्यू बिगनिंग टोटली न्यू लाइफ न्यू लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए ये टोटली फ्रेश एक्सपीरियंस है ठीक है और काफ़ी सारे लोगों के लिए इट्स इट्स बिकॉज इट्स अ पेंटिकल सो इट्स अ अट्स अ मनी फॉल ओके मतलब आपकी न्यू uh, जॉब आपको मिलने वाली है विद इन अ मंथ और विद इन अ वन ईयर ओके आप एक एक नई जॉब में होंगे एक नई पोजीशन पे होंगे uh, एक एक uh, हो सकता है न्यू बिजनेस आपको स्टार्ट करने वाले हैं आपका अपना कोई न्यू कैरियर स्टार्ट होने वाला है समथिंग फ्रेश नाउ वी हैव नंबर फर्टैलिटी थ्री एम्प्रेस टॉरस अल दिब्रा आप हो सकते हैं या आप अर्थ साइन हो सकते हैं टोरस वेरको कैप्रिकॉन वन एंड थ्री बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आप थर्टी वन ईयर्स ओल्ड भी हो सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए ठीक है वी हैव द फर्टैलिटी दिस इज एमप्रेस सो अनदर प्रेगनेंसी कार्ड सो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए आप अगर मैरिड हो दिस इज अ प्रेगनेंसी और आप अगर ऑलरेडी प्रेगनेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी बच्चे की डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गिव टू बर्थ अ चाइल्ड सो आपकी लाइफ में एक न्यू एडिशन होने वाला है एक न्यू लाइफ दिस ये आपकी लाइफ को एक एक आपके इस एक्सपीरियंस को टोटली totally चेंज कर देगा आपकी लाइफ को टोटली totally चेंज इस बच्चे के बाद नाउ ना अमासो सिंह विद द फर्टालटी आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली uh, मदर बनने वाले हो या आपकी शादी होने वाली है स्पेशली uh, आपका एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है ठीक है uh, अगर आप अपनी मदर से दूर थे तो आप अपनी मदर से मिलने वाले हो अगर आप काफ़ी अर्से से अगर किसी और कंट्री में थे स्टेट में थे सो यू डेफिनेटली गोइंग टू मीट योर मदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम Uh, um, लेकिन अगर आप लड़के हो इस वीडियो को देख रहे हो स्पेशली मेल यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट योर परफेक्ट मैच जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है और अगर आप लड़की भी हो तब भी आपकी शादी होने वाली है यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट योर परफेक्ट मैच ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी फ़ैमिली क्रिएट होगी uh, जिसके साथ आपका फ्यूचर है जिसके साथ आपकी यू नो लाइक आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस करोगे फर्टैलिटी दिस इज़ आल्सो अबंडस इन मनी ओके काफ़ी ज़्यादा आपको अबंडस मिलने वाली है आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है सक्सेस मिलने वाली है काफ़ी सारे लोगों को नाउ लेट्स सी वी हैव इंगेजमेंट या बिल्कुल आपने से काफ़ी सारे लोगों के रोमांटिक अगर तरीके से देखा जाए सो यू आर गेटिंग इंगेज और गेटिंग मैरिड और अगर आप डेट कर रहे हो किसी को या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाली है इस इंसान की तरफ से दिस पर्सन इज़ सीरियस ओके बट आल्सो सिंग प्रपोजल अगर आप टोटली सिंगल हो दिस इज अ प्रपोजल किसी के साथ इंगेजमेंट है अगर इंगेजमेंट ऑलरेडी हुई हुई है तो शादी होने वाली है बहुत जल्द बट दिस इज आल्सो इंगेजमेंट का मतलब एक कमिटमेंट है तो ये वर्क या कैरियर सिचुएशन में भी हो सकती है एक ऐसी सॉलिड कमिटमेंट और जॉब जो आपको हमेशा के लिए अब uh, एक किस्म की गवर्नमेंट जॉब या एक किस्म की ऑफिशियल जॉब आप आपको मिलने वाली है या आपका साइन कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने वाले हो जो आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस देगा पैसा देगा केमिस्ट्री या आप में से काफ़ी सारे लोग जिस इंसान को मिलने वाले हो, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील इट ओके एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी आ, हर लेवल पे केमिस्ट्री होगी आ, आप एक ऐसे इंसान को मिलने वाले हो जिसके साथ आपका आपका फ्यूचर है कि आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो तो आप फ्यूचर की तरफ बढ़ने वाले हो इस इंसान की तरफ से नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस और कार्ड आपके लिए क्या है वी हैव टू कार्ड्स वी हैव रेडियंस कीप योर हैड हाई एंड फॉलो द सन या आप में से काफ़ी सारे लोग um, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो रेडिएट करने वाले हो। दिस इज़ लाइफ चेंजिंग फॉर यू और काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे आप अपने पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हो न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ना चाहते हो आप अपनी लाइफ में हमेशा एक ऐसी चीज़ चाहते हो अब जो आपको सॉलिड चाहिए फिर है रिट्रीट नेवर अंडरस्टमेंट द हीलिंग पावर ऑफ़ अ क्वाइट मूवमेंट ओके आप में से काफ़ी सारे लोग काफी अरसे से रिट्रीट एनर्जी में थे आप किसी चीज़ को हील कर रहे थे रिकवर कर रहे थे और अब आप उस एनर्जी से जब निकल रहे हो तो लोग आपकी इस शाइनिंग को देख रहे हैं या आप ऐसा ऐसा एनर्जी से निकल रहे हो और आप अपने आपको, आप को अब अब आपको समझ आ रहा है कि अब आपको क्या करना है नो लेट सी फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस दिस और कार्ड कि अब आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप को हील एंड रिकवर करने वाले हो विद रिट्रीट एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप काफ़ी नेक्स्ट आपके लिए ये है कि आप स्पिरिचुअल बनने वाले हो आप एक स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाने वाले हो आप अपने साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हो आपकी अपने साथ भी कमिटमेंट है और दूसरों के साथ भी कमिटमेंट है आप ये करना चाहते हो आप, आप लाइफ में और काफ़ी सारे लोग मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी ये चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो और लोग आपका ये पावर देख रहे हैं आपके अंदर लेट्स सी वी हैव हैप्पी लव अ जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड ओके सो डेफिनेटली एक ऐसा रोमांटिक लव आपकी लाइफ में स्टार्ट आने वाला है जो आपको खुश कर देगा लेकिन हैप्पी लव का मतलब ये खुद से प्यार भी है कि आप फाइनली अपने आप से प्यार करने लगे हो आपको फाइनली अपने आप को कॉन्फिडेंट समझ रहे हो फाइनली आप अपने आप को अपनी एक लाइफ में एक क्रिएटिव चीज़ करना चाहते हो जो आपको पसंद है जो आपका ड्रीम है जो आपका गोल है सो so अपने से प्यार करना बहुत ज़रूरी है जब आपको खुद से प्यार नहीं होगा आप दूसरों से प्यार नहीं कर सकते हैं ठीक है सो सेल्फ लव इज़ ट्रू लव सो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने एक एक किस्म की ऐसी एस, ऐसी एनर्जी में जो है वो एंटर होने वाले हो जिसमें लोग आपकी एनर्जी को देखेंगे आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हो एक पॉजिटिव एक एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे नाउ वी हैव द पार्टनरशिप स्टेबल पार्टनरशिप केमिस्ट्री जिसके साथ आपकी um, इंगेजमेंट होने वाली है शादी होने वाली है एक ऐसा सॉलिड रिश्ता आपकी लाइफ में आने वाला है या या फ्रेंड आने वाला है ठीक है जिसको आप वेलकम करोगे या एक पार्टनर आने वाला है अगर आप कैरियर या बिजनेस में हो सो so जिसके साथ आपका डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चलने वाली है इट्स लाइक योर ड्रीम कमिंग ट्रू हैप्पी टाइम आप एक एक आप हैप्पीनेस की तरफ मूव कर रहे हो ये आपकी लाइफ में आ रहा है कि आप खुशियाँ आप देखोगे आपका जो जो पास्ट है जो आपका जो पेन है वो खत्म हो चुका है आप अब आप, आप, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है दिस कार्ड एंड दिस केम अप अप्रू ओके वी हैव द विशेज कम ट्रू क्या बोला था मैंने वाव रैपिड अचीवमेंट ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेज सो so, आप अपनी लाइफ को अब आप अब अपने अपने ड्रीम्स को जो है वो फॉलो कर रहे हो योर विशेज आर कमिंग ट्रू फाइनली नाउ वी हैव द प्रोटेक्शन स्ट्रांग प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर द फैमिली एंड द होम या आप में से काफ़ी सारे लोग फैमिली की तरफ से प्रोटेक्शन मिलने वाली है या फैमिली की तरफ से कोई गिफ्ट मिलने वाला है कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है कोई uh, पैसा मिलने वाला है स्पेशली फ्रॉम योर मदर लेकिन प्रोटेक्शन फ्रॉम फैमिली जैसे मैंने कहा आपकी फैमिली में कोई नया इंसान एंटर होने वाला है ऑब्वियसली यू आर गिविंग द बर्थ टू अ चाइल्ड So, ये आपकी लाइफ में एक नई चीज़ जो है वो होने वाली है ना लेट्स सी वेयर यू विल बी इमोशनली वट हैपनिंग वट इज नेक्स्ट हैपनिंग आप प्रोटेक्टिव हो आपकी फैमिली प्रोटेक्टिव है और आप एक प्रोटेक्टिव इंसान से मिलने वाले हो जो आपको भी प्रोटेक्ट करेगा और आपकी फैमिली को भी आ, फ्यूचर फैमिली को भी ओके okay? आपको वैसे भी गॉड की तरफ से एक प्रोटेक्शन है आप ऐसे काफ़ी सारे लोग आपकी विशेज कम आपकी विशिज ट्रू हो रही हैं मैंने जैसे बोला आपके ड्रीम्स कम कम ट्रू एक ऐसी चीज़ आपको मिलने वाली है कि आपने विश की थी हमेशा एक ड्रीम की थी और तो वही चीज़ आप करने वाले हो वी हैव कम्पैशनेट केयरिंग एंड सिम्पैथरिक आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो नेचर लवर हो और आप एक आ, या आप आ, किसी ऑर्गनाइजेशन में वर्क कर रहे हो या आप करोगे ठीक है ह्यूमन राइट्स और एनिमल राइट्स और समथिंग चिल्ड्रन राइट्स और समथिंग आप अगर एन जी ओ में किसी तरह की इस तरह की सिचुएशन में हो तो आप करने वाले हो कम्पेशन सो so, आपकी लाइफ में अब कम्पेशन ही कम्पेशन होगा आपकी लाइफ में आप सिर्फ लव होगा और आपको अब आप समझ आ रही है कि आपकी लाइफ किस तरह लोगों को लव देना है और किस तरह लोगों से लव लेना है ठीक है दिस इज यू आर सीइंग हम आथो सींग विद दिस बर्ड फ्रीडम तो आप में से काफ़ी सारे लोग अब आप फाइनली आपकी लाइफ में जो बिग इवेंट ये है कि आप फ्रीली वो चीज़ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए या आपको फाइनली वो चीज़ मिल रही है जो आपको चाहिए थी कंपैशनेट एक कंपैशनेट पर्सन एक लव एक रोमांस एक हैप्पी लाइफ Enjoyable life. Um, now let's see from this oracle's card. we we have have the snake. okay. We have the competition here. so आपको हो सकता है जिस work वाली जगह पर आप जाओगे वहाँ पर आपको competition है या आप जहाँ study कर रहे हो वहाँ पर competition है काफी सारा बी uh, केयरफुल of any enemy. तो हो सकता है एन क्लेवर पीपल्स द अदर वुमेन ओके सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में uh, या आप जिस जिस तरह का लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे थे आ, आपके दरमियान में कोई आपके पार्टनर और आपके दरमियान में कोई और इंसान शामिल था आ, मतलब कोई और वुमेन शामिल थी स्पेशली किसी की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ या किसी की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया आ, या आपका लाइफ में कोई और आ, ऐसी वुमेन थी जो चाहती थी कि आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ ना हों या कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी एनिमी था आपका स्पेशली अ वुमेन तो वो जो इंसान है उस उसकी उसका जो आ, वो चेहरा है वो आपके सामने नज़र आएगा एंड बी बी केयरफुल ऑफ़ दैट पर्सन ओके तो आपको समझ आ जाएगी कि अब आपको लाइफ में क्या चाहिए और अगर आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कोई और वुमेन थी या कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों के दरमियान में आपके पार्टनर में आपके लवर में आपके रोमांस में जो है वो ब्रेकअप करवाने की कोशिश कर रहा था तो अब वो औरत यहाँ से मतलब आप दोनों के दरमियान से हट जाएगी ठीक है नाउ वी हैव फ्रॉम दिस वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन न्यू मोनियन एरीज़ तो आप एरीज़ हो सकते हैं या एरीज़ के साथ डील करें या आप में से काफ़ी सारे लोग अब एक्शन के लिए रेडी हो यही चीज़ आप करने वाले हो आप अब आपको लग रहा है कि टाइम आ गया एक्शन लेने का या आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं होलियो uh, विजन बिल्कुल आप में से काफ़ी सारे लोग अपने विजन्स uh, को फॉलो करने वाले हो आपको पता है कि अब आपको लाइफ में क्या चाहिए आपको अपने ड्रीम्स को कैसे फॉलो uh, करना है वी हैव लक इज़ ऑन योर साइड न्यू मून इन सेजिटेरियस आप एरीज या सेजिटेरियस का कपल हो सकते हो या आप सेजिटेरियस या एरीज आपके चार्ट में है फिक्सड uh, मून आपका हो सकता है मतलब टोरेस स्कॉर्पियो लियो एक्वेरियस मून हो सकता है आपका ठीक है ना लेट सी वट इज़ द एंजल्स मैसेज फॉर यू या लक आपकी साइड पर है मुझे डेफ़िनेटली लग रहा है लव आपकी लाइफ में आ रहा है सक्सेस आपको मिल रही है अबंडंस आपको मिल रहा है विशेज़ आपकी ट्रू होने वाली हैं लेकिन हो सकता है कोई बुरी नज़र लगा सकता है तो बी केयरफुल या ऐसे इंसान जो आपके साथ कंपटी कम्पीट करते हैं कंपटीशन समझते हैं या आपको देखना नहीं चाहते सक्सेसफुल उनके लिए आपने केयरफुल रहना है ठीक है या ऐसे लोग आपकी नज़र के सामने आएंगे दिस इज़ आल्सो लाइफ चेंजिंग फॉर यू कि आपको बहुत सारे अपने दुश्मन या ऐसे लोग हैं जो आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं वो आपकी आंखों के सामने आएंगे ठीक है उनका सही चेहरा आपको नजर आएगा नाउ वी हैव द नो सो so, um, अगर कोई चीज़ आपको अभी बहुत जल्दी चाहिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है थोड़ा या आपको हो सकता है कोई चीज़ ऐसी है जो रिलीज करनी है या किसी चीज के लिए आपको एक्शन लेना है फिर जाके आपके लाइफ में वो चेंज आएगा एंड द नेक्स्ट इज लिजन टू योर इंट्यूशन या आप में से काफ़ी सारे लोग अपने इंटूशंस को सुनना है उसके बाद जाके आप, आपने वही करना है जो आपको सही लगता है डेफिनेटली ठीक है यही आपका मैसेज है कि आपने अपने इंट्यूशंस को सुनना है और वही चीज़ करनी है जो आपको सही लगती है ठीक है क्योंकि हो सकता है कि लोग आपको करें कि ये नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है नहीं कर सकते आपने वही करना है जो आपके इंट्यूशन कह रहे हैं जो आपको पसंद है और जो चीज़ आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ एंड होल्ड योर विजन ठीक है होल्ड योर विजन जो चीज़ आपको बिलीव है आपका इंट्यूशन बोल रहा है उस पर फॉलो करो लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है ओके okay? क्योंकि लोग आपको डेफिनेटली आपसे जेलस होंगे या आपको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू सी यू इन हैप्पी रिलेशनशिप एंड सक्सेस कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करेंगे ताकि आप उन उनकी बात सुनो उनकी ना आ, मतलब अपनी चीज़ों इन चीज़ों को अचीव ना करो लेकिन आपने वही करना है जो आपके इंट्यूशन बोलेंगे सो दिस इज योर रीडिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में हेलो पायल नंबर टू जिन्होंने रिंग वाला कार्ड चूज़ किया है लेट सी के ऑप्शन नंबर टू रिंग देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या चेंज आने वाला है क्या ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा या आपके पर्सपेक्टिव को आपकी सोच को आपके लाइफ स्टाइल को क्या चेंज करने वाला है नेक्स्ट बिग थिंग नेक्स्ट ब्लैसिंग नेक्स्ट चेंज नेक्स्ट एक्सपीरियंस क्या होने वाला है आपके लाइफ में सी 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 फॉर ग्रुप नंबर टू वी हैव मेंटल नंबर टू ऑफ सोर्स तो आप जैम अली वेरियस हो सकते हो ओके एंड देन वी हैव एस ऑफ सक्सेसोर्ड्स वाओ लॉट ऑफ एयर लॉर्ड ऑफ एयर जैमना या आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो ओके okay, आप में से काफी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में होने वाली है कि आप इस 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 कंफ्यूजन से निकलने वाले हो जिस चीज का आपको पता नहीं था जिस चीज के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं थी आपको कंफ्यूजन था उस चीज के ऊपर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है ट्रूथ आपके सामने आने वाला है या आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने वाले हो फाइनली आप अपने आप को कन्फ्यूज नहीं करने वाले हो फाइनली आप वही चीज करोगे जो आपको सही लग रही है और आप 21 इयर्स ओल्ड हो सकते हो आपका लाइफ पाथ नंबर वन टू हो सकता है या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है डेट्स पे 21 12 ट्वेल्व वन टू या इस इंसान की टू प्लस वन थ्री सो माइंड बॉडी एंड स्पिरिट आप फाइनली वो चीज़ फॉलो करने वाले हो जो आपको सही लगती है ठीक है और विद uh, अगर आपको किसी के साथ कन्फ्यूजन है ऐसा इंसान जो आपसे बात नहीं कर रहा था या आपको कन्फ्यूजन में रखे हुए था काफ़ी अरसे से तो वो फाइनली अब आपसे बात करेगा विद ऑफ इसोड्स वो आपसे आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा या आपको ऐसा ट्रूथ बताएगा जो फाइनली आपको फाइनली समझ आ जाएगी कि अब आपको लाइफ में करना क्या है या आपको किसी के बारे में कुछ जानना था तो वो पता चल जाएगा दिस इज़ इन्फॉर्मेशन ओके काफ़ी सारे लोग आप आ, आप ज़्यादा कंफ्यूज थे रिलेशनशिप्स को लेके या अपने कैरियर को लेके या अपनी एजुकेशन को लेके आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये चीज़ करूँ ये चीज़ करूँ यहाँ जाऊँ या ये करूँ कौन सी डायरेक्शन लूँ या कौन सा पाथ चूज़ करूँ कौन सी जॉब चूज़ करूँ ठीक है आ, और अगर रिलेशनशिप की बात है तो आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये इंसान आपसे कभी बात करेगा या आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा था या आप कन्फ्यूज़ थे फाइनली अब आपको क्लैरिटी इस चीज़ पर मिलेगी आपकी लाइफ में क्या होने वाला नेक्स्ट क्या बिग चेंज है आपको ट्रूथ नज़र आएगा आपको सच नजर आएगा आपको क्लैरिटी नजर आएगी ठीक है कोई आपसे सच बोलेगा या आप सच बोलोगे किसी से फाइनली ठीक है नाउ लेट्स सी वट्स हैपनिंग इन योर रोमांस इन क्या होने वाला है नेक्स्ट आपकी लाइफ में दिस इज आल्सो सक्सेस आप में से काफी सारे लोग आपने कोई टेस्ट पास करने वाले हो कोई जॉब का इंटरव्यू पास करने वाले हो आपको सक्सेस मिलने वाली है ठीक है आपको विक्ट्री मिलने वाली है किसी ऐसी चीज़ पे जो काफ़ी अरसे से आपको स्टक किए हुई थी एक्सप्रेस योर लव या ये वो इंसान है जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा आपसे रोमांस में या आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करोगे अगर रोमांस की बात करें तो आपकी ये क्लैरिटी ख़त्म हो जाएगी को डिपेंडेंसी या काफ़ी अरसे से आप इस रिलेशनशिप में को डिपेंडेंट थे काफ़ी अरसे से आप इस रिलेशनशिप में स्टक थे काफ़ी अरसे से आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ दिस पर्सन या ये इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक था कि वो आपसे बात नहीं कर सकता था या इस इंसान को फेयर था इस इंसान को सच बोलने में आपसे जो है डर लगता था या इस इंसान को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या रिलेशनशिप है तो डेफ़िनेटली आपसे कुछ सच बोलने वाला है अपने फीलिंग्स को लेके और आप में से काफ़ी सारे लोग मैंने जैसे कहा आपको सक्सेस मिलने वाली है यू आर गोइंग टू पास द रिज़ल्ट यू आर गोइंग टू पास द जॉब इंटरव्यू यह yeah, ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी अरसे से मेंटली आपको स्टक किए हुई थी किसी ऐसी जगह में जिसमें आपको समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ कोई ऐसा लाइफ का आपका जो भी सिचुएशन है हर किसी की लाइफ में डिफरेंट होगी कोई ऐसी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जिसमें आप काफ़ी अरसे से स्टक थे और फाइनली आपको उस पर क्लैरिटी मिलेगी फाइनली आपको समझ आएगी कि मैंने क्या करना है ठीक है उस पर आपको फ़ाइनली uh, आप डिसीजन लोगे उस चीज़ के बारे में या वी हैव द ग्रो All flowers must grow through dirt. Okay, आप में से काफ़ी सारे लोग ग्रो करने वाले हो आप बहुत ही एक किस्म के लाइफ एक्सपीरियंस और ऐसे गुजर के होने आने वाले हो आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है और आप एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो चेंज की तरफ बढ़ रहे हो ठीक है अब फाइनली आपको समझ आ रहा है कि अब आप उस एक्सपीरियंस से आप समझोगे कि आपको क्या करना है ठीक है

आपको अब आपको लाइफ में मूवमेंट चाहिए आपको ग्रोथ चाहिए ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस और कल्स वी आर द स्टार द सिल्वर एनर्जी ऑफ द स्टार ब्रिंग्स गुड लक एंड सैर एंड डेप्यूटी या आप में से काफी सारे लोग क्योंकि स्टार हैं विशेज आपकी पूरी होने वाली हैं ठीक है आपकी लाइफ में एक गुड लक आने वाली है एक किस्म का लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होने वाला है और सैर एंड डेप्यूटी का मतलब है अचानक से ये होगा अनएक्सपेक्टेड ठीक है ये सक्सेस आपको आ, आपकी लक की वजह से मिलेगी ये ये चेंज आपकी लाइफ में सक, आ, आपकी लक की वजह से आएगा और ये जो अबंडेंस आपको मिलने वाली है ये भी आपको लक से मिलेगा सो दिस इज योर लक ओके दिस इज रोलिंग ऑन अ लक ये सब किस्मत का खेल है जो भी होने वाला आपकी लाइफ में किस्मत का खेल है आई एम हेयरिंग किस्मत का खेल है आउट ऑफ योर कंट्रोल वी हैव द वाटर वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट या आप में से काफ़ी सारे लोग हीलिंग से गुजर रहे हो रिकवरी um, में हो इस वक्त इमोशन्स को ले कर हेल्थ को ले कर रिलेशनशिप्स को ले कर कोई ऐसी चीज़ें लाइफ में जिसमें आपको स्टिल हीलिंग uh, की ज़रूरत है और आप वर्क कर रहे हो उस पर और करते रहोगे इस वेरी पॉजिटिव कार्ड आप में से काफ़ी सारे लोग वाटर साइन भी हो सकते हो आप एकवेरियस भी हो सकते हो स्पेशली लेट्स कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपीरियंस आने वाला है And let's see. काफी इमोशनल चेंज होगा आपकी लाइफ में ये जो भी आने वाला है काफी इमोशनल स्टेज होगा आपके लिए या वी हैव द लेबी लिबरेन्थ ट्रांजिशन टू लिब्रेंथ यस टू अ हायर लेवल ऑफ बीइंग राइजिंग योर एनर्जेटिक वाइब्रेशन इन या आप लिब्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ में रेजिंग द वाइब्रेशन आपको डेफिनेटली पॉजिटिविटी चाहिए मूव कर रहे हो आप या आपकी पॉजिटिविटी या आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस ये चीज़ें लोगों को नजर आएंगी दट योर लिबरेटिंग योर साफ यूर यूर मूविंग टुअर्ड सक्सेस यूर मूविंग टुअर्ड पॉजिटिविटी एंड द नेक्स्ट इज अवेन थ्री रेज ऑफ लाइफ बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल एनर्जी फीस एंड हार्मोनी या बैलेंसिंग सो अगर किसी के साथ आपका कन्फ्लिक्ट था आप उसको सॉल्व करने वाले हो ठीक है उस प्रॉब्लम को झगड़ा था खत्म करने वाले हो और अगर आपका पार्टनर के साथ अपने लवर के साथ किसी के साथ झगड़ा था वो भी बैलेंस होने वाला है पीस और हार्मोनी आपकी लाइफ में आने वाली है सो दिस इज वॉट आई एम सींग वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी वेरी अ वेरी अ ब्यूटिफुल एनर्जी हेयर ओके नाउ लेट्स सी के इमोशनली uh, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है वट आर यू गोइंग टू फील इमोशनली पीस और हारमोनी लिबरेटिंग योर एनर्जी वाओ दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल फाइल आप लोग स्पिरिचुअली अपनी वाइब्रेशंस को एनर्जेटिकली आप रेस कर रहे हो और लोग देखेंगे ये चीज़ आपके अंदर फॉर सम ऑफ यू यूर बिकमिंग अ स्टार ऑफ योर ओन लाइफ ओके और यह आपको एक पब्लिक रिकोगनेक्शन मिलने वाली है किसी चीज़ में यू हैव द टू कार्ड्स सो वी हैव लव फ्लैटॉनिक या आपकी लाइफ में डेफिनेटली आप अपना मदर वाला लव जो है वो हील कर रहे हो अपना चाइल्ड हुड हील कर रहे हो आप में से काफी सारे लोग या आप ऑलरेडी एक मदर हो या आप मदर बनने वाले हो क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग द मदर एंड चाइल्ड ओके सो आपकी लाइफ में एक न्यू लव एंटर होने वाला है जिस जो आप एक मदरली लव फील करोगे या अगर आपकी अपनी मदर के साथ फैमिली के साथ बच्चों के साथ पार्टनर के साथ किसी के साथ भी आपकी प्रॉब्लम्स थी आप उसको सॉल्व करने वाले हो यू आर ब्रिंगिंग द लव इन योर लाइफ ट्रू लव और आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान भी आने वाला है हो सकता है एक न्यू इंसान एक न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर हो जो आपको प्रोटेक्ट करेगा लाइक अ मदर सो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं वो नाउ वी हैव द इन इन वर्थिंगस या आप में से काफ़ी सारे लोग uh, जिस सिचुएशन में थे आप उस चीज़ को अभी आपको शायद यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा नहीं आप जिस तरफ बढ़ रहे हो आपको अपनी वाइब्रेशन को रेस करना है तब जाके आपकी लाइफ में ये लाइफ चेंजिंग इवेंट आएंगे क्योंकि हमें अपनी वाइब्रेशन को रेज करना पड़ता है हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है हमें प्रे करना पड़ता है हमें मैनिफेस्ट करना पड़ता है क्लिनजिंग हीलिंग प्योरिफिकेशन पीस लाना होना होता है अपने अंदर अपनी लाइफ में भी पीस लाना होता है ठीक है अगर आपको खुद कुछ कन्फ्लिक्ट कर रहा है या कन्फ्यूज़ कर रहा है तो आप डेफिनेटली uh, अपने अंदर भी आपको चेंज लाना है वी हैव द एक्स एंड ट्विन फ्लेम सो आप में से काफ़ी सारे लोग आपकी ट्विन फ्लेम के साथ अपनी यूनियन होने वाली है अगर आप जानते हो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है सो दिस इज़ आल्सो यिन एंड यंग एनर्जर मेल और फीमेल का बैलेंस और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है मेल एंड फीमेल तो ठीक है या तो आप अपने ट्विन फ्लेम को मिलने वाले हो या आपकी अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन होने वाली है अगर आप इस तरह के कनेक्शन में ऑलरेडी हो सो दिस इज अ वेरी स्ट्रांग स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आपकी लाइफ में आने वाला है एंटर होने वाला है ठीक है या आप ऑलरेडी अगर हो तो क्योंकि एक्स है यहाँ पे ब्रेकअप है आप उस एक ब्रेकअप से गुजर रहे हो सेपरेशन से गुजर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है इट्स अ रियूनियन विद दैट पर्सन अगर आप इस तरह के कनेक्शन में हो लेकिन ब्रेकअप अगर किसी के साथ हुआ है तो वो सेपरेशन भी खत्म होने वाली है वो इंसान आपसे खुद आप माफ़ी मांगेगा या आपसे बात करेगा सो so ये जो डिपेंडेंसी थी काफ़ी अरसे से वो अब ख़त्म होने वाली है या आपका पार्टनर आपसे भाग रहा था या आप उनसे सो so आपको अपनी वाइब्रेशन रेस करनी पड़ेगी चेंज करनी पड़ेगी या जिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में हर किसी का ट्विन फ्लेम हो प्लीज़ डोंट मिसअरस्टैंड मिस सो so ट्विन फ्लेम्स का मतलब ये भी है कि आपको अपने अंदर अपनी लाइफ को ज़्यादा पॉजिटिव रखना है अपने आप से लव करना है और अपनी इस डिपेंडेंसी से निकलना है कि मैं इस चीज़ अगर आप इस तरह बोलोगे ना कि मुझे ये चीज नहीं मिलेगी मैं तो वर्थी नहीं हूं मुझे नहीं मिलेगा मुझे ये ये चीज आप इस तरह बोलोगे तो आपको वही चीज ही मिलेगी नेगेटिविटी ही आपकी लाइफ में आएगी वी हैव नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन बिल्कुल आप में से काफी सारे लोग डार्क एनर्जी में हो और आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस सिचुएशन से आपको डेफिनेटली क्लैरिटी चाहिए आपको अपनी इंटेंशन बिल्कुल सही रखनी है कि आपको चाहिए क्या लाइफ में जब आप इस तरह की इंटेंशन रखोगे तो वही चीज आपके लिए यूनिवर्स और गॉड आपको देगा जब आपको खुद को नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए और आप कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून या फुल मून तो ये जो फुल मून आया है ये आपकी लाइफ में बहुत चेंज लाएगा और आपको सरेंडर कर देना है आप जो चीज़ आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में है क्योंकि मैंने जैसे कहा जो चीज़ भी आपको मिलेगी स्टार इज द डेस्टनी डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन ओके जो चीज़ आपकी डेस्टनी में है उसका वेट करो बी पॉजिटिव होके सोच समझ के क्योंकि अगर आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला सरेंडर टू द डेस्टनी अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा भी हो रहा है आप किसी बुरे एक्सपीरियंस से भी गुजर रहे हो सो आपको पॉजिटिवली उसको देखना है कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है ठीक है और मैं इस 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 लेसन से मैं जो चीज़ मेरे साथ हो रही है ये मैं क्यों सीख रहा हूँ मुझे क्या सीखना है इस चीज़ से ठीक है मुझे कैसे अपने आप को चेंज करना है कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है We have uh, the answers you needs are coming full moon in Gemini आई बिल्कुल Gemini आई बिटवीज होते हैं तो आपने से definitely काफ़ी सारे लोग अपने twin को मिलने वाले हो या आपकी union होने वाली है या आपकी life में एक ऐसा lover ऐसा friend ऐसा partner आने वाला है जो आपकी life को totally change कर देगा but with the twin card आपको खुद को भी अपने आप को देखना होता है कि आप क्या गलत कर रहे हो ठीक है you need to see yourself in a mirror आप भाग नहीं सकते अपने आप से सो so, जिस जिस चीज़ का आंसर आपको चाहिए था जिस काफ़ी अरसे से आप इंतज़ार कर रहे थे मैंने कहा काफ़ी अरसे से किसी चीज़ में स्टक थे या आपको क्लैरिटी नहीं थी फाइनली अब आपको वो चीज़ पे क्लैरिटी मिलेगी आपको ट्रूथ मिलेगा और आंसर्स मिलेंगे लेकिन खुद भी कुछ करना पड़ेगा ओके यू नीड टू क्लेम द नेगेटिव एनर्जी अपनी वाइब्रेशन को रेज कीजिए चाहे वो लाइफ है चाहे सक्सेस है चाहे लव है चाहे लाइफ है आपको एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है सो वी हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन या इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है यू आर गोइंग टू बी चेंज यू हैव टू सरेंडर ओके और अगर आप नहीं करोगे तो नथिंग विल कम आउट कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस कन्फ्यूजन से और इस इस नेगेटिव इस एनर्जी से सोच 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 के कुछ नहीं मिलने वाला यू हैव टू सरेंडर यू हैव टू स्टॉप दिस एंड टेक एक्शन फिक्स दिस एक्स का मतलब फिक्स दिस जो चीज़ आपकी लाइफ में ब्रोकन है उसको फिक्स करने की कोशिश करो ना कि उस पर ज्यादा रोने की कोशिश करो कि ये क्या हो गया ठीक है बिकॉज दिस इज लाइक एक्स ठीक है आपको फिक्स करना है उस चीज़ को स्टॉप द पैटर्न दे आर सिंग स्टॉप द पैटर्न आपको देखना है कि क्या चीज़ आपकी लाइफ में को डिपेंडेंट है क्या चीज़ आप लाइफ में गलत कर रहे हो वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू इन द नियर फ्यूचर आप डेफिनेटली रिजल्ट देखोगे और आपको आपकी लाइफ में रोमांस सेंटर होने वाला है मैंने पहले बोला था ओके okay? लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ एक्सपीरियंस आप करोगे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस विद इस रोमांटिक पार्टनर और अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हो सो योर लाइफ विल बी चेंज टोटली इस ट्विन फ्लेम के साथ इस लवर के साथ इस पार्टनर के साथ आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी या एक्स जो वापस आपकी लाइफ में आएगा लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए आपको ट्रूथ चाहिए आपको आंसर्स चाहिए वो मिलेंगे आपको लेकिन वेट कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए एंड सरेंडर कीजिए डिवाइन पे दैट्स वट यू नीड टू डू ओके सो ये आपकी रीडिंग है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में बाय गाइज